नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आंध्र प्रदेश बॉर्डर 7 जून से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा, कम हो गए 35% सिलेबस। टीआरपी घोटाला, बार के पूर्व सीआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया जमानत याचिका, एससी ने टाली सुनवाई। चोरी चोरी घटना के शताब्दी समारोह की पीएम मोदी ने की शुरुआत, बोले देश कभी न भूले बलिदान। सिंधिया का कांग्रेस का निशाना, कृषि कानून की वकालत करने वाले आज कर रहे हैं विरोध। कोहली ने किसानों को बताया देश का अभिन्न हिस्सा, सचिन ने विदेशियों के ट्वीट पर किया पलटवार। महाराष्ट्र बैंक में नकली सोना रखकर 2 करोड़ कर ले लिया लोन, फ्रॉड में पति पत्नी गिरफ्तार। मिट रही है खटास, कैसे पश्चिम यूपी की फिजा बदल रही है किसान आंदोलन। भारत के रक्षा बजट पर मामूली बढ़त पर चीनी मीडिया का तर्ज, पूछा ऐसे करेंगे बराबरी। यूपी के अपराधी भी समझ गए, सीएम जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं है अखिलेश यादव। न्यूज, भू माफिया ने नौसेना के जवानों की जमीन पर किया कब्जा, न्याय के लिए परिवार समेत धरने पर बैठे। दिल्ली आहार मेला 2021, कोरोना में पिछले साल से बंद दिल्ली के प्रगति मैदान में अब लगने जा रहा है ये बड़ा फेयर। चंदौली न्यूज, पूर्व विधायक के भतीजे पर चाकू से हमला, मुकदमा दर्ज। कुल्लू बीडीसी इलेक्शन, हिमाचल की सबसे बड़ी कुल्लू पंचायत समिति पर बीजेपी का कब्जा। लखनऊ बहराइच हाईवे के पास बॉडी मार्क पर खेत में मिले युवक के शव की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है, पुलिस के हाथ अहम सुराग भी लगे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
नवजोत सिद्धू ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोग तलाश रहे हैं इसके मायने।